क्या हो गया हाँ क्या हो गया आउट है बैडमिंटन खेलने क्योंकि कल खेल के गया था, मेरा कंडीशन खराब हो गया था और तौर का इस पूछ भी मत। अब मेरा पूरा बॉडी इतना पेन कर रहा था ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज फिर से आ गया बैडमिंटन खेलने क्योंकि कल यहाँ से खेल के गया था ना, तो मेरा बॉडी इतना पेन कर रहा था क्या बताओ, तो इसलिए आज भी आ गया। और यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है, देखो पूरा खाली खाली है। इस यहाँ का सिस्टम मैं थोड़ा सा दिखाया है, तो मतलब यहाँ पे ना जो कोड होता है ना उसमें कुछ भी साइज़ वगैरह नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग ना यहाँ पे खेल रहे हैं बस। ये देखो यहाँ पे काम तो किया था, बस इससे और भी बढ़िया से करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक। और ये देखो ये नेट है, इस नेट का भी साइज़ 19-20 हो के रखा है और यहाँ पे ना कुछ भी साइज़ नहीं दिया हुआ है। तो मैं उन लोगों को मैं बोल के रखा हूँ कि कल या परसों तक ना इसका थोड़ा सा आप लोग साइज़ वगैरह सही से देखें, पूरा बढ़िया से इसका कोट है जो है ना वो सेटल कर लेना। ये खेलने से नहीं होगा, इसमें ना बहुत सारा रूल्स भी है, वो रूल्स भी फॉलो करना पड़ता है। बहुत दिन पहले मैं खेला था, ये देखो ये आ गया, आज आया, कुछ 19-20 होगा तो मैं देखूंगा उसे। क्या दौड़ के आया यार, जुलाश तो वहाँ पे जाके बैठा हुआ है, मेरे को फ़ोन किया था। तो गाइस देखो बैडमिंटन के लिए कितना पागल है ये बंदा, दौड़ के आ गया भाई, 1.5 किलोमीटर का रोड दौड़ के आ गया। मतलब ये बंदा ना ये आर्मी में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रहा है कि थोड़ा सा हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। जो शटल है ना वो आ गया, तो अब यहाँ से थोड़ा सा खेलते हैं, जुलाश को आने देते हैं। गाइस काफ़ी टाइम इंतजार करने के बाद आया दो और मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, बढ़िया, चलो मारो मारो। तो गाइस हो गया, ये आ गए एक नया प्लेयर और वो रहा जुलाश। जुलाश मेरे को कल इतना बोल रहा था कि उसे बहुत खेलना आता है, तो मेरे को भाई साहब खत्म, तो आने देते हैं। वो बाइक पार कर रहा है, पार्किंग कर रहा है, चलो ए चलो ठीक है। बढ़िया वाला आ गया। ये जो शटल है ना, तो ये शटल दो टाइप के आते हैं, एक तो है प्लास्टिक का और एक है कॉक का, मतलब कुछ पंख वगैरह होता है ना उससे बनते हैं, और ये है प्लास्टिक का। तो मेरे को बीपी अभी हाई हो गया, तो थोड़ा सा खेलते अब खेलेंगे टीम टू टीम होगा गेम होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं दिया हुआ है, पर हम लोग मेंटेन करेंगे। गाइस खेलते खेलते लाइट चला गया, अब देखो अंधेरा ही अंधेरा। ये देखो एक प्लेयर यहाँ पे है, और ये देखो कहाँ पे लाइट चला गया या कुछ 19-20 हुआ है, लाइट चला गया ना। सो गाइस ये देखो हम लोग जीतने वाले हैं गेम, गर्म हो गया पूरा खेलते खेलते, अंधेरे में ही खेल रहे हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के खेल रहे हैं। मारो, ये ऐसे खेलते हो? 3 साल हो गया, मैं तो 5 साल बाद खेल रहा हूँ भाई साहब, कल तो सिर्फ आया था ऐसे हो गया। यहाँ पे शटल का है और मेरा रैकेट का है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हो गया, दिखा दो अब। अच्छा ऐसे प्लेयर हो, पता लग गया भाई साहब तुम कैसे खिला रहे हो ना। हाँ उसको बोल रहा था कि बैट, हाँ ये बल्ला है, ये टेनिस बॉल का बल्ला है, और कल मैं इसे बैट बैट बोल रहा था तो ये रैकेट है, और जो है ना इसको मैं बॉल बॉल बोल रहा था तो ये है शटल। तो गाइस लाइट आ गया, अब कोई टेंशन नहीं, अब खेलते पूरा मैच खेलेंगे। एक पार्टी को हम लोगों ने हरा दिया, अब आ रहा है दूसरा पार्टी, ये है ये मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि उनको चाहिए रैकेट, तो मैं तो नहीं देने वाला, ना मैं नहीं दूंगा चांस। हाँ पागल हो, ये चांस नहीं होगा। तो गाइस अब हो रहा है सिंगल मैच, अब खेलेंगे, अब मजा आएगा। 1-0 भाई साहब, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग का यूट्यूबर अभी तक नील। गाइस हो गया, अब मैं जाऊंगा सीधा घर पे।
हमारे से नहीं हो पाएगा, सिर्फ आया था फिर कल मैं आप लोगों की बताया नहीं। तो गाइस बैडमिंटन खेलने के बाद ना आप लोगों को बहुत फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि जब आप लोग घर पे जाके सोओगे ना बहुत बढ़िया नींद होता है। कल भी मैंने बहुत बढ़िया नींद हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है ये विंटर के सीज़न में ना। मतलब अगर किसी को नींद नहीं आते जल्दी तो ये आके एक बार खेलो, खेल के घर पे जाके जब सोओगे ना बढ़िया से नींद आ जाएगा और पूरा नींद होगा। तो चलते हैं अभी यहाँ से, मैं और नहीं खेलूँगा क्योंकि एक मैच अकेला सिंगल खेला था। ये देखो जुलाश भी जा रहे हैं आप, हाँ खेलना हो गया हो गया, तो ये सब खेल रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ घर पे क्योंकि बहुत टाइम हो गया खेलते खेलते, कम से कम आधा घंटा एक घंटा हो गया। अब सीधा जाऊँगा घर पे खाना, मैं नहीं जाऊँगा आप लोग जाना ठीक है, मेरे को कुछ दिनों का टाइम चाहिए क्योंकि सुबह मॉर्निंग को ना बहुत गैस हो जाता है पेट में। चलो अब चलते हैं घर पे। आज का टॉपिक बस यही था कुछ बताने का, इससे मतलब ये नहीं कि बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ नहीं था। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे, अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।